नमस्कार। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2021 जो वर्ष है ये तो एमबीबीएस एडमिशन के लिए बिल्कुल ही नए नए रूल और नए नए स्ट्रेटेजीज का साल साबित होता जा रहा है। और वही मैं शायद 3 महीने से या जब से साल स्टार्ट हुआ या मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि जो लास्ट ईयर हुआ वो इस साल होगा ये कोई लिखित में गारंटी नहीं दे सकता। हमने कई बार देख लिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, चाहे वो यूपी की कट ऑफ हो चाहे वो कनाडा की कट ऑफ हो जो भी थोड़ी नीचे जा रही है इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले। अब एक और झटका दिया हरियाणा ने जब उन्होंने अपना मॉप अप राउंड लॉन्च किया है और काफी काउंसलर्स की या काफी पेरेंट्स की जो उस उम्मीद लगा के बैठे थे वो उम्मीदें धराशाही होंगी। तो पहली बात तो चेंज क्या है वो बता दूं, हरियाणा ने अपना मॉप अप राउंड अनाउंस कर दिया है जैसे बाकी स्टेट धीरे धीरे कर रहे हैं, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ की गई है जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है और 24 तारीख तक दोपहर को 11 बजे तक आपके पास टाइम है तो हम 23 तारीख पकड़ सकते हैं परसों तक। उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि पहले शायद 2000 रुपए आप देंगे पर फिर 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है अगर आप प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं। और वही नए लोग होंगे आई एम श्योर, जो हरियाणा डोमिसाइल का है वो तो सरकारी पहले से ट्राई कर रहा होगा और अपने 11,000 रुपए वो सबमिट कर ही चुका होगा, सो इसलिए उन्होंने उसको अलग से समय दिए और डिपॉजिट करने का समय 28 तारीख तक दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां देखिए, उन्होंने अभी तक सीट मैट्रिक्स क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वैसे ही राउंड ऑनलाइन है, जी हाँ मॉप अप राउंड ऑनलाइन होने वाला हरियाणा में, लेकिन 4 हमेशा स्पेशल कैटेगरीज एनआरआई फिजिकल डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर इनका ऑफलाइन राउंड हो रहा है 24 तारीख को रोहतक में। अब इस चीज का क्या फर्क है, देखिए भाई जो लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं समझाते हैं, मैं सबको शुरू से कहता हूं कि जैसे जैसे आखिरी राउंड आता है या लास्ट ईयर तक जो होता था प्राइवेट के केस में एनआरआई, सरकारी के केस में पीडब्ल्यूडी एएसएम फ्रीडम फाइटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोविड कोटा ये कोटा वो कोटा यही सब सीटें हैं जो जनरली इंडिया में सीटें ज्यादा है लोग कम है, और ये आखिरी राउंड में आके कन्वर्ट होती थी नॉर्मल सीट में जिसे हम स्ट्रे मॉप अप बोलते थे स्ट्रे राउंड बोलते थे पूरी इंडिया में, चाहे वो एमसीसी काउंसिल हो चाहे स्टेट काउंसिल हो स्टेट्स में। और क्योंकि जब ये कन्वर्जन होती थी तभी आपको कम मार्क्स पे सीट मिल जाती थी या थोड़ा बहुत जो आपसदारी चल जाती थी कुछ कॉलेजेस में, जो हम कई बार बता चुके हैं सब कॉलेज नहीं करते, कस्तूरबा जैसा बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ डीम्ड कुछ स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस कर देते थे स्ट्रे मॉप अप में एक स्पेशल बेनिफिट देना खास बच्चों को, लेकिन वो तब देते थे जब कॉलेज लेवल पे वो राउंड हो। अब एमसीसी ने इस बार राउंड 3 अपना मॉप अप तो खैर ऑनलाइन करना ही था, स्ट्रे मॉप अप भी उन्होंने कर दिया है सरकारी के लिए ऑनलाइन, बट ऑफलाइन होगा डीम्ड के लिए। अब हरियाणा कमिंग बैक टू हरियाणा सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था, 24 तारीख को ही कर देंगे इन चारों का ऑफलाइन, विच मीन्स सरकारी जिनको उम्मीद थी स्ट्रे मॉप अप से वो खत्म, क्योंकि ये चारों तीनों लोग पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर जितनी सीटें हैं उनसे कह दिया कि आ जाओ सीट ले जाओ, और स्पेशली लिखा है कि ऑन स्पॉट फी भी पे करोगे, दैट मीन्स आप लोग सीट खराब नहीं करोगे किसी और के लिए। और फिर जितनी सीटें बच जाएंगी अब चौथे राउंड का वेट नहीं होगा, 25 तारीख को ही वो बची हुई सीटें कंप्यूटर के अंदर ऐड कर दी जाएंगी एज नॉर्मल सीट। देखिए कहीं लिखा नहीं हुआ है इस नोटिफिकेशन में, यहां पर यह होती है लॉजिक को समझने की बात कि 24 तारीख को ये ऑफलाइन राउंड क्यों किया जा रहा है, 2 पेज की उसमें कहीं लिखा है नोटिफिकेशन में, अगर आप पढ़ोगे और कहोगे सर या आप मन से कहो क्यों बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये मेरे हिसाब से कन्वर्ट हो जाएंगी, बट आई कैन अश्योर यू आई एम सो सॉरी लिखा ही हुआ है। तो अगर आप पेज 1 के लास्ट में जाएंगे पॉइंट ई में क्लियरली लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल राउंड फॉर एनआरआई एंड पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम एफएनएफ शैल बी रिवर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल कैटेगरीज एंड फिल्ड अप थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग, तो लिखी दी है आई एम सो सॉरी मैं शायद लाइन को ढंग से नहीं पढ़ा था, वो हैव बीन अलोकेटेड सीट इन फिजिकल मॉप अप राउंड विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट डेफिनेटली इन द ऑनलाइन मॉप अप, क्योंकि उन्होंने एनआरआई या ईएसएम एफएनएफ ले लिया है एफएफएफएफ राइट। तो अब आप समझे दैट मीन्स अब स्ट्रे मॉप अप होने की उम्मीद बहुत कम है, फिर ये सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी और मॉप अप में जो ये ऑनलाइन होने वाला है जिसका जो रिजल्ट है वो कि 31 मार्च को आएगा अलोकेशन ऑफ सीट का, और प्रोविजन अलोकेशन 31 मार्च की दी है और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 4 अप्रैल की दी है। तो ये एक भयंकर चेंज है, विच मीन्स वो लोग जो इस भरोसे बैठे थे
कि मॉपअप के बाद जब स्ट्रे मॉपअप कॉलेज लेवल पे होता है तो हम जो एनआरआई सीट कन्वर्ट होंगी प्राइवेट वाले हमें वो मिल जाएंगी आपसदारी में या जैसे मर्जी करके, तो हमने काउंसलर के थ्रू कॉलेज में डायरेक्ट जाके बात कर रखी है, या सरकारी वाले जो इस उम्मीद में थे कि सरकारी में जेन्युइनली या हमारी बहुत पॉलिटिकल जान पहचान है हमें ये पीडब्ल्यूडी सीट मिल जाएगी, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इस राउंड के बाद ये सीटें जो भी बचेंगी ये ऑनलाइन काउंसलिंग में आ जाएंगी। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है, ये तो जुगाड़ों के लिए हो गया। पॉजिटिव साइड ये है कि जो हमारे पास फोन आ रहे थे 200-300 नंबर वाले, आपके पास मैक्सिमम चांस है कि आपको हरियाणा मॉपअप में सीट मिल जाएगी। देखिए हरियाणा मॉपअप में प्राइवेट में कम से कम 100 सीटें आएंगी क्योंकि सारी एनआरआई सीटें कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। तो आदेश, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, एनसी सराना, अल्फला और एसजीटी, पांच जो कॉलेज हरियाणा में, मोटा मोटी 100 सीटें आती है। ऑफकोर्स एसजीटी का पैकेज 90 का पड़ जाता, बाकी सब 75 की रेंज में आते हैं। तो वो लोग जो भी खाली बैठे हैं, 200 मार्क्स भी आपके हैं तो आपको सीट मिलने की उम्मीद है, उससे कम में भी मिल सकती है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग अब मॉपअप भर चुके हैं एमसीसी का, कुछ लोग हैं जो यहां वहां चले गए, तो हरियाणा का फॉर्म जरूर भरिए, वो लोग जो अभी तक खाली बैठे हैं। और देखिए हरियाणा के दो कॉलेजों के बारे में मेरी ओपिनियन बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट कभी कभार ये होता है कि मरता क्या ना करता आपको सीट चाहिए ही चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दो कॉलेज बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ जो तमिलनाडु में चेन्नई के बाहर की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या पांडिचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी भी क्वालिटी भी बहुत शानदार नहीं है। तो कम से कम नॉर्थ इंडियन वालों के लिए है कि तुम अपने एरिया में ही रह लो, कम से कम खाने और रहने का तो आराम होगा। तमिलनाडु में जाके क्वालिटी भी नहीं मिलनी, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम, फूड भी प्रॉब्लम। ऑफकोर्स जिसको वहां जाना पसंद हो वहां चला जाए, जो वहां के रहने वाले उनके लिए भी ऑप्शन अच्छी है, बट नॉर्थ इंडियंस के लिए हरियाणा मॉपअप इज अ ब्लेसिंग। बजट में सीट्स अवेलेबल हैं और आप इसको जरूर भरिए। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और जैसा मैंने कहा कि इस समय ओपन है, 24 तक ओपन है, सारी नोटिफिकेशन हरियाणा की वेबसाइट पे लिखी हुई है, तो बेस्ट ऑफ लक। ये 100 सीटें आपका इंतजार कर रही हैं, आप ले सकते हैं। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।